दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं, अगर आप भी ब्लॉगर पर अपनी पोस्ट लिखते हैं तो कितना टाइम लगता है अपनी पोस्ट को इंडेक्स करने में। अगर आप गूगल कंसोल में जाते हैं तो वहां पर आप लोगों की पोस्ट इंडेक्स नहीं हो पा रही होगी, तो किस तरीके से आप अपनी पोस्ट को इंडेक्स कर सकते हैं और ऑटोमेटिक हो जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देख लेते हैं तो आप लोगों को पता चलेगा किस तरीके से आप भी अपनी पोस्ट को जल्दी से जल्दी इंडेक्स करा सकते हैं और अपने ब्लॉग पर अपने वेबसाइट पर ट्रैफिक ला सकते हैं। तो मैं ले चलता हूँ अपने फ़ोन की स्क्रीन पर, वहाँ पर मैं इजी तरीके से बताता हूँ कैसे आप लोगों को क्या करना है। तो अपने ब्लॉगर पर गूगल एडसन का अप्रूवल लेना चाहते हैं दोस्तों तो किस तरीके से ले सकते हैं, मैंने पहले से वीडियो बना दिया और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मेरा वेबसाइट है और यहाँ पर जो blogspot.com होता है उस पर मैंने अप्रूवल लिया है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देख लीजिएगा। अगर आप इस साइट पे आना चाहें तो साइट पर भी विजिट कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप डायरेक्ट जाके विजिट कर सकते हैं। सबसे पहले मैं अपना ब्लॉग ओपन कर लिया हूँ, आप भी कर लीजिएगा। और यहाँ पर सबसे पहले आप लोग देख लीजिएगा जो भी साइट होगा, यहाँ पर नाम दोस्तों यहाँ पर दिखाई देगा आपका साइट नेम, और सिंपली यहाँ पर आप लोगों को नीचे जाना है सेटिंग पे। सेटिंग पे आप लोगों को क्लिक करना है कुछ इस तरीके से। सेटिंग पे क्लिक करने के बाद आप लोगों को नीचे यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करना है। नीचे आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा होगा गूगल सर्च कंसोल, सिंपली आप लोगों को इस पर क्लिक करना है। सर क्लिक करने से पहले आप लोगों को जो पोस्ट इंडेक्स करना है सिंपली उसका URL कॉपी करना है। तो मैं पोस्ट पर क्लिक कर देता हूँ और यहाँ से URL को कॉपी कर लेता हूँ। तो मैं इस पर शेयर पर क्लिक करके कॉपी लिंक पे क्लिक करके मैंने कॉपी लिंक कर लिया है, तो आप भी कर लीजिएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों को चेक करना है कि आपकी जो वेबसाइट है इसमें लिंक है या नहीं है। तो अगर आपकी वेबसाइट लिंक होगी तभी आप लोगों का URL जो है इंडेक्स होगा और आपकी पोस्ट इंडेक्स होगी। तो सिंपली यहाँ पर आप लोगों को देख लेना है जो आपकी साइट होगा उसका URL यहाँ पर दिखाई देगा और साइट का नाम। तो सिंपली आप लोगों सिंपली यहाँ पर आप लोगों को क्लिक करना है ये वाला साइट, इसलिए आप लोगों को साइट मैप पे आ जाना है। तो अगर आपके पोस्ट में साइट मैप नहीं होगा तो आप लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है पोस्ट इंडेक्स करने में। तो यहाँ पर आप देखते हैं मेरा साइट मैप है और यहाँ पर जितनी भी मेरे ब्लॉग पर पोस्ट होंगी यहाँ पर दिखाई देंगी। मेरे अभी टोटल 19 पोस्ट हैं तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो सिंपली आप लोगों को करना है इस वाले सर्च वाले आइकन पे क्लिक, इस पर क्लिक कर देते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद जो आपने URL कॉपी किया है सिंपली आप लोगों को पेस्ट कर देना है। उसके बाद आप लोगों को सर्च करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके सामने कुछ इस तरीके से लोडिंग लेगा। लोडिंग लेने के बाद ये मेरी पोस्ट पहले से इंडेक्स है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये URL इज ऑन गूगल पे दिखा रहा है। तो ये पहले से दोस्तों इंडेक्स है और यहाँ पर मैंने कोई नया पोस्ट अभी नहीं अपलोड किया है। जैसे मैं अपलोड करूंगा तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा आगे वीडियो में। तो अगर आप लोग पोस्ट को इंडेक्स कर देते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरीके का ऑप्शन आएगा और आपकी जो URL है दोस्तों गूगल पे सर्च कर रहा होगा। और अगर आपकी पोस्ट इंडेक्स नहीं हो रही है तो सिंपली आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा होगा रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग, सिंपली आप लोगों को इस पर क्लिक कर देना है। और इस पर क्लिक करने के बाद आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा होगा टेस्ट लाइव URL, सिंपली आप लोगों को टेस्ट लाइव URL पे क्लिक करना है और आपकी जो पोस्ट होगी इंडेक्स हो जाएगी। अगर फिर भी नहीं हो रही आपकी पोस्ट इंडेक्स तो आप लोगों को करना यह है दोबारा से जाना है पोस्ट, जो भी आपकी पोस्ट इंडेक्स नहीं हो रही सिंपली आप लोगों को इस तरीके से ओपन करना है। और ओपन करने के बाद आप लोगों को ये सेटिंग वाला ऑप्शन दिख रहा है, सिंपली आप लोगों को सेटिंग पर क्लिक करना है। सेटिंग पर क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को लेबल दिख रहा होगा, लेबल पर क्लिक करना है। अगर यहाँ पर एक से ज़्यादा लेबल आपके पोस्ट में लगा हुआ है तो अगर आपकी पोस्ट इंडेक्स नहीं हो रही तो आप लोगों को सिर्फ एक लेबल ही रखना है। अपनी पोस्ट में एक लेबल रखिएगा तो आपका पोस्ट इंडेक्स हो जाएगा। और अगर आप बार बार थीम को चेंज कर रहे हैं तो आप लोगों का पोस्ट जल्दी इंडेक्स नहीं होगा। तो आप लोग ज़्यादा दोस्तों अपनी थीम को चेंज मत करिए, जो आपकी थीम है वही रहने दीजिए और आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अगर ये तरीके आप लोग फॉलो करते हैं तो आपकी पोस्ट इंडेक्स हो जाएगी, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। हमारी सारी पोस्ट दोस्तों इंडेक्स हो चुकी हैं और कोई भी एरर नहीं आता है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। अगर आप लोग ब्लॉगर पर अप्रूवल लेना चाहते हैं तो आप
वीडियो के नीचे एक व्हाट्सएप ग्रुप लिंक है, उस पर आप क्लिक करके मुझसे बातचीत कर सकते हैं। मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आपकी अप्रूवल मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो आशा करता हूं आप लोगों को ये छोटी सी वीडियो अच्छी लगी है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद। बाय बाय।